हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं ट्राइंग वायरल टिकटॉक हैक्स पार्ट वन। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया कहाँ है। तो भैया अपने सामान रेडी कर रहे हैं, तो मैंने तो पहले ही अपने सारा सामान ले लिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं कितनी फास्ट हूँ हर काम में। लेकिन भैया बहुत धीरे धीरे सारे सामान बटोर रहे हैं इधर से उधर, तो देखते हैं कि वो कब आते हैं और देखते हैं किसके चैलेंज पास होते हैं और किसके फेल। मैं आ गया हूँ अपने सामान लेकर, और आप सोच रहे होंगे मुझे इतनी देर क्यों लगी, वरना तो सेट पर सबसे पहले मैं पहुंच जाता हूँ। तो उसका जवाब है ये गाइस, एक खाली बल्ब ढूंढना है, बहुत भारी काम था। घर का कोना कोना चप्पा चप्पा छान मारा है, तब जाके मुझे ये उजाला मिला है। उजाला मतलब मैं गाइस प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी कंपनी का, बस ये बल्ब मिल गया मुझे। तो बेसिकली गाइस, इस हैक के लिए आपको क्या करना है कि ये जो बल्ब होता है सिंपल सा कोई भी, इस पर आप स्केच कलर्स लगाना और उन्हें किसी भी ब्रश की मदद से हल्का हल्का सा ब्लेंड कर देना, कोई भी ट्रांजिशन वगैरह आप दे सकते हैं, और फिर इसे किसी भी सॉकेट में लगाइए और फिर आप देखिए आगे क्या होता है। तो गाइस अब आपको क्या करना है कि अपने स्केच कलर्स को किसी भी ऐसे ड्राइंग ब्रश से ब्लेंड कर देना है अच्छे से। गाइस वैसे ये दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैंने सोचा नहीं था मैं कर पाऊंगा इतना अच्छे से। सो गाइस बहुत ही मेहनत के बाद स्केच कलर से इस बल्ब को मैंने ऐसा रंगा रोगन कर दिया, ये काफ़ी दिखता है ऐसा, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अब बारी आती है फाइनल टेस्ट की। सो गाइस पेंसिल कलर ने तो हमारा साथ नहीं दिया, धोखा दे दिया। तो अब पेंसिल कलर्स की जगह मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ एक्रेलिक कलर्स, और अगर ये ट्राइन काम नहीं करेंगे तो गाइस बड़े दुख के साथ हमें कहना होगा कि हमारा ये है कि अनसक्सेसफुल। ये है आम जिंदगी। ये है मेंटोस जिंदगी। मेंटोस, दिमाग की बत्ती जला दे। गाइस आप लोगों को पता नहीं कैमरा में अंदर नजर आ रहा हूँ नहीं आ रहा, लेकिन भैया के इस हैक ने वाकई में पूरे कमरे का लुक ही चेंज कर दिया। द रूम इज रियली लुकिंग ऑसम। तो गाइस जो फर्स्ट हैक मैं आज ट्राई करने वाली हूँ, उसमें कुछ ऐसा है कि हमने मैंने जिस वीडियो में देखा था उसमें उसने कोई भी ऐसे चिप्स वगैरह के जो रैपर होते हैं वो अपन जब खा लेते हैं तो ऐसे खोल लेते हैं अपन, फिर वो एयर टाइट नहीं रहता है और वो जल्दी मतलब संदा जाते हैं। तो उसके लिए मैंने हैक देखा था। इसके लिए आप लोग को एक नाइफ चाहिएगी, एक ऐसा पैकेट चाहिएगा और लाइटर चाहिएगा। तो चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो गाइस नाइफ मैंने गरम कर ली है, अब हमको इसको फ्री कट करना है, बिल्कुल ध्यान से लेना पड़ेगा हमें। तो थोड़ा सा फट गया है पूरा फट गया है गाइस, शायद ये है अच्छा तो था पर मुझसे हुआ नहीं, मैंने थोड़ी ज्यादा गरम कर दी। यार ऐसा नहीं हो पाएगा।
ओके सो गाइस, अब बारी आती है हमारे अगले हैक की। और अगला हैक जो है वो दिखने में तो काफी अच्छा लग रहा था जिस वीडियो में मैंने देखा था, मगर अब देखते हैं कि रियल लाइफ में हम इस हैक को जब ट्राई करते हैं तो क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर थोड़ा सा पानी नहीं सोई गई दूध, इसमें लिया है थोड़ा सा दूध, पानी है यहाँ पर हमारे पास इस बर्तन में, कटोरी कहते हैं हम इसे, और बहुत ही अच्छी कटोरी गई, दाल पीने में बहुत अच्छा नहीं होती इसमें। अब गई ड्रॉपर से हम लोगों को थोड़ा थोड़ा सा पानी लेकर इसके अंदर डाल रहे हैं। और गई वैसे तो आप जानते हैं कि दूध और पानी मिल जाता है, लेकिन उस वीडियो में बताया था कि अगर ऐसे डालेंगे तो नहीं मिलेगा, तो देखते हैं क्या होता है। सो गाइज आप देख सकते हैं ये है हमारा जो मतलब लैम्प तैयार हुआ है, इसमें नीचे नीचे दूध है, ऊपर पानी है और ऊपर तेल है। और गाइज लेयर तो मैं इतनी अच्छे से बना नहीं पाया, मैंने बहुत कोशिश की कि दूध के ऊपर पानी की लेयर बन जाए पर आज तो नहीं बन पाई। मगर गाइज ये जब मैंने स्कूल टाइम में प्रोजेक्ट में किया था तब तो बन गई थी। और अब बारी आती है फाइनल टेस्ट करने की कि क्या ये लावा लैम्प जैसे काम करता है। तो इसके लिए हमें बस चाहिए थोड़ा सा नमक। अगर नीचे हमने क्या है एक टॉर्च रखी है, टॉर्च के ऊपर ये गिलास रख दिए, और अब बारी है इसमें नमक डालने की। दुर्वा कैमरा मैन पास में ले आओ थोड़ा सा। ओके गाइस सो शुरू करते हैं इसकी टेस्टिंग। चलेंगे गाइस, बहुत ही एक तो काफ़ी अच्छा रहा है, अब इसमें तो इतना अच्छे से नहीं आ रहा, वैसे इसमें भी गाइस मैं सही बताऊँ तो इतना अच्छा नहीं दिख रहा। गाइस अब थोड़ा सा नमक को डालते हैं। गाइज मेरे ख्याल से इससे अच्छा हम दूसरे तरीके से कर सकते थे। गाइज एक बार फिर से दूध और पानी की जब लेयर नहीं बनी तो मैंने तेल को अलग किया सबसे पहले, फिर पानी को अलग किया, और गाइज थोड़ा सा वाइट वाइट जो है वो उसी का है। और अब हम जरा फाइनल ट्राई करते हैं कि क्या होता है, क्या ये लावा लैम्प जैसा दिखता है। हियर इट गोस। अरे गाइज बहुत ही शानदार दिख रहा है, जो भी दिख रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। और करते हैं गाइस थोड़ा सा विस्फोट। ओह माय गॉड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये है बहुत ही पसंद आया होगा, मुझे तो दिखने में बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। हाँ गाइस थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी मैंने, अगर वो मैं नहीं करता तो ये पहले ही हो जाता, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। भाई जैसे बबल्स ऊपर नीचे होते हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, अब ज़्यादा नमक वेस्ट नहीं करता है। और हाँ गई एक और बात भी इसकी सबसे अच्छी है, ख़त्म हो जाए तो आप इसे हिला दीजिए ज़रा सा, ऑटोमेटिकली वापस से रीस्टार्ट हो जाएगा। वो नहीं हुआ, सीरियसली व्हाट द फक आर यू डूइंग। कोई बात नहीं गाइस, तो चलो अब अगले हैक की तरफ चलते हैं। खराब तो वैसे होता नहीं है, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या कर सकते हो, या आप लोग को चाहिए कोई भी पेंसिल कलर तो आप कोई भी पेंसिल कलर ले लो, और किसी भी बाउल के अंदर थोड़ा सा आपको वाटर चाहिए। अब इस पेंसिल कलर को आपको सिंपली बस इसके अंदर ऐसे डिप रखना है, और इसको 5 मिनट तक ऐसे ही रखा रहने देना है, फिर बताती हूँ मैं एक मैजिक। 5 मिनट्स लेटर। सो गाइस 5 मिनट हो गए, अब देखते हैं कि क्या होता है। मैं आपको चला करके दिखाती हूँ। ओह माय गॉड गाइस आप देख सकते हो कितना अच्छे से चल रहा है।
हम लोग शायद इसको थोड़ी देर और रखते तो हो जाता, लेकिन मुझसे समझ नहीं हो रहा। और मैं इस पर आँखों पर लगा करके देखती हूँ कैसा लग रहा है। ये अभी नहीं चल रहा है, थोड़ी देर रुक जा। वो बात अलग है कि मुझे आई लाइनर लगाना नहीं आता है, पर ये है तो पास है। सो गाइस, अब ये मेरा लास्ट हैक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये पास हो जाए। तो कई बार क्या होता है कि आप लोग के जो फ़ोन चार्जर होते हैं, जहाँ पे आप चार्ज करते हो, उसके आसपास कोई टेबल नहीं होता है, तो हम लोग जनरली उसे यूज़ ही नहीं करते हैं। मतलब फ़ोन रखे कहाँ चार्ज करने के लिए। तो इसके लिए हैक है कि इस तरीके का जो चार्जर होता है ना, उसके साथ में आप लोगों को अपने फ़ोन को इस तरीके से रखना है, और फिर ऐसे रबर बैंड से कैसे ऐसे इसको कुछ कुछ आप देख सकते हो कि ये सब कुछ हो गया। अब हमें इसको कनेक्ट करना है। देख सकते हो कि कोई दिक्कत नहीं आ रही है, और फोन वो थोड़ा सा स्विच ऑफ है तो चार्ज हो नहीं रहा है, क्योंकि हम वैसे लोग तो स्विच ऑफ होने तक फोन का कूल हो गया। तो अब एक थम्स अप फॉर दिस हैक। ओके सो गाइस, अब हमें हमारे लास्ट हैक के लिए एक वॉलंटियर चाहिए था, जो बनी है दुर्वा। तो दुर्वा, पहला सवाल, क्या तू भी घर पर बैठी बैठी बोर हो जाती है कभी कभी? क्या तुझे भी समझ में नहीं आता फ्री टाइम में क्या करें? तो निकाल अपना फोन, यूट्यूब खोल। और आगे इसमें आप लोगों को भी बता रहा हूँ, अगर आप भी अपने घर पर बैठे बैठे बोर हो जाते हो तो इस हैक को ज़रूर ट्राई करना है। आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पर जाना है, यूट्यूब पर जाकर सर्च करना है सिबलिंग सागा, और जो चैनल मिला उसे सब्सक्राइब कर देना है और इसकी सारी वीडियोस देखनी है। गाइस आप इतने अच्छे वाले एंटरटेन हो गए कि मतलब बहुत तगड़ा वाला लाइफ हैक हो जाएगा। गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है इस चैलेंज का विनर कौन है, क्योंकि मैं बता दूं कि भैया ने जितने भी हैक्स किए हैं, जो वो एक्चुअल में थे वो तो भैया ने किए ही नहीं, कुछ ना कुछ उन्होंने गलतियाँ की और लास्ट में सुधार सुधार के इतने फर्जी से हैक किए। और गाइस मैंने बहुत मेहनत की, आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत मेहनत लगती है हैक ढूंढने में सब कुछ, तो पता है कि जीतूंगी तो मैं ही। कमेंट सेक्शन में मुझे जिता देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी हमारी नई वीडियोस देख सकें। तेरी मुंडी कट है, बाल हल्के से कटता था चलेगा क्या? ठीक है, आराम बुरा चल रहा है।